कुल्लू जिले के सरदार शहर कस्बे के स्नैकमैन नाम के मशहूर विनोद तिवारी को कोबरा के डसने से मौत हो गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तिवारी शहर के वार्ड 21 के गोंगा मेड़ी के पास में शनिवार को सुबह 7 बजे एक कोबरा का रेस्क्यू कर रहे थे। विनोद ने कोबरा को पकड़कर बैग में डाल दिया था, तभी सांप ने उनकी उंगली पर डस लिया। डंक लगने का एहसास हुआ तो विनोद खड़े हुए और कुछ कदम चले, तभी बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ ही सेकंड में उनकी मौत हो गई। सरस बूथ संचालक और मौके पर मौजूद शंकर लाल चौधरी ने बताया कि विनोद ने उंगली को चूस कर जहर निकालने की कोशिश की। उसके बाद वह पास ही लोक देवता महाराज की गोगा मेड़ी पर माथा टेकते हैं। उस दौरान उनका जी घबराने लगता है। पास ही स्थित नागरिक उन्हें संभालते हैं तो उन्होंने आखिरी बोला कि आज जच गया लगता है। इसी के साथ जमीन पर गिर गए और सांसें थम गईं। घटना के बारे में पता चलते ही तिवारी के घर में उनका बेटा हर्ष और पत्नी मौके पर पहुंचते हैं। उन्हें ऑटो से अस्पताल भी ले जाया जाता है, लेकिन तब तक विनोद ने दम तोड़ दिया। रविवार को उनके निजी निवास में उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई और कच्चा बस स्टैंड मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचते हैं। तिवारी के दोस्त नंदराम सहारन ने बताया कि सांपों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने का काम करीब 20 सालों से कर रहे थे। उसे सांप पकड़ने में महारत हासिल थी। एक साथ 5-5 ब्लैक कोबरा जैसे जहरीले सांपों को इन्होंने काबू किया था। सांप गोहिरे को मारने नहीं देते थे, बल्कि इन्हें बचाने के लिए खुद पहुंच जाते थे। आसानी से इन जानवरों को पकड़कर जंगल में रेस्क्यू कर देते थे। विनोद तिवारी के बेटे रजत ने बताया कि उनके पिता जीवीएम संस्थान में बागवानी कर्मचारियों का सुपरवाइजर की नौकरी करते थे, लेकिन जब भी कहीं से सांप निकलने की सूचना मिलती तो तत्काल वहां पहुंचते थे। हालांकि उनके पास जीव उपचार की डिग्री नहीं थी, लेकिन मामूली घायल सांपों का उपचार के लिए अपने पास मरहम पट्टी रखते थे। जब तक सांप ठीक नहीं हो जाता उसे अपने साथ रखते थे और फिर जंगल छोड़कर आते थे।